सिनेमा में आदिपुरुष के रिलीज होने के बाद से ही काफी विरोध हो रहा है। दरअसल रिलीज से पहले इस फिल्म का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, मगर बाद में सारी तस्वीरें ही बदल गई और इसके डायलॉग और कुछ सीन को लेकर विवाद हो गया है। पहले फिल्म के कुछ डायलॉग्स पर हंगामा मचा था, अब एक सीन पर भी बवाल होता दिख रहा है। आपको बता दें कि फिल्म में विभीषण की पत्नी के किरदार के एक सीन को लेकर सोशल मीडिया पर लोग गुस्सा जाहिर करते नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया यूजर्स तो सीन की आलोचना कर रहे हैं और बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का भी उस सीन पर रिएक्शन सामने आया है। कपिल मिश्रा ने विवादित सीन की एक झलक शेयर करते हुए लिखा है, हनुमान जी को थिएटर में बिठाकर ये दिखाना। दरअसल कपिल मिश्रा ने ये सवाल इसलिए उठाया क्योंकि फिल्म के संवाद लेखक मनोज मुंतशिर ने फाइनल ट्रेलर के रिलीज के दौरान मेकर्स और थिएटर मालिकों से अपील की थी कि फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान देश हर सिनेमा घर में हनुमान जी के लिए एक सीट खाली रखी जाए। अब कपिल मिश्रा सीन की तस्वीर दिखाकर सवाल कर रहे हैं। बता दें कि आदिपुरुष में विभीषण की पत्नी शर्मा का किरदार एक्ट्रेस तृप्ति टोरडमल ने निभाया है। तृप्ति के एक सीन पर बवाल मचा है। सीन तृप्ति के कपड़े बदलने का है। बता दें कि तृप्ति मशहूर मराठी एक्ट्रेस है और आदिपुरुष की बॉलीवुड में उनकी डेब्यू फिल्म है। उनके पिता मधुकर टोरडमल भी मराठी सिनेमा के जाने माने अभिनेता है। तृप्ति टोरनमल का जन्म 22 नवंबर 1992 को मुंबई में हुआ था। रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने दो मराठी फिल्मों में काम भी किया है। दरअसल ओम राउत के निर्देशन में बनी आदिपुरुष को लेकर भले ही विवाद हो रहा है, पर फिल्म ने 3 दिन में धमाकेदार कमाई कर ली है। इससे पहले वीकेंड पर करीब 304 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया है। फिल्म में सैफ अली खान और कृति सेनन ने अहम भूमिकाएं निभाई है।